अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल स्पाइसी नूडल्स। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, हमने लिया 500 ग्राम नूडल्स, हमने लिया गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, ऑयल हमने लिया हाफ कप, चिकन हमने लिया 250 ग्राम, केचप हमने लिया 5 टेबल स्पून, लहसुन अदरक हमने कुटा हुआ लिया हुआ है ये हमने लिया 2 टेबल स्पून। अब हमने लिया कुटी मिर्च 2 टेबल स्पून, चिकन पाउडर हमने लिया 1 टेबल स्पून, और हमने ब्लैक पेपर लिया है 1 टीस्पून, नमक हसब ज़रूरत लेंगे हम, ब्लैक पेपर हमने लिया 1 टीस्पून, सोया सॉस हमने लिया 1 टेबल स्पून, चिल्ली सॉस हमने लिया 1 टेबल स्पून, विनीगर हमने लिया 1 टेबल स्पून। चले आए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें हाफ कप ऑयल डाला, ऑयल गरम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन और कुटा हुआ अदरक डाला। अब हम इसको थोड़ा चलाएंगे। अब इसको हमने थोड़ा सौते किया, उसके बाद हमने इसमें ये चिकन ऐड कर दिया। अब इस चिकन को भी हम थोड़ा सौते करेंगे ताकि इसका स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने नमक डाला इसमें, नमक पहले हमने अभी कम डाला, फिर चख लेंगे, अगर नमक कम होगा तो हम और नमक डालेंगे। कुटी हुई मिर्च है, अब ये ब्लैक पेपर है, ये वाइट पेपर है, चूल्हा हम थोड़ा कम कर देंगे। अब ये हमारे पास है चिकन पाउडर, चिल्ली सॉस हमने डाला। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये विनीगर है, हमने ये भी 1 टेबल स्पून डाला। अब ये केचप भी हमने इसमें ऐड करना है, अब इसको हम 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हम पहले इसमें ये गाजर डाल देंगे, गाजर के बाद हमने गोभी डाल दिया इसमें, आपने भी इसी तरह कटिंग करना है। इसको जूलियन कटिंग कहते हैं, आपने भी इसी तरह कटिंग करके इसमें मिक्स करना है। अब ये शिमला मिर्च है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस सिर्फ 2 मिनट इसको पकाना है। अब हम आंच को थोड़ा तेज़ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तैयार हो चुका है, इसको मैंने 2 मिनट तक पकाया। अब नूडल्स को मैंने पहले से जो है बॉईल किया, 8 मिनट तक इसको मैंने बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद इसमें मैंने ऑयल भी इसलिए डाला था कि ये आपस में चिपके नहीं। ये देखिए, अब इस तरह आपने इसमें डालना है।
अब ये देखें, अब मैंने इसके अंदर जो है ये तमाम नूडल्स को ऐड किया। अब इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तैयारी के आखिरी मराहल में है, तो अब मैं आपको डिश में निकाल कर दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये चिकन चटपटी सी बहुत ही मज़ेदार सी नूडल्स तैयार हो गई है। आप भी इसको घर में ज़रूर आज़माएं। और ये जो नूडल्स है ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल कुकिंग विद अम्मी जान को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि बेल का बटन दबाने से आपको हमारी वीडियो मिलेगी सबसे पहले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।